Good morning, students. Sit down, please. Sit down. बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? Yes. हेलो, बैठ जाओ बच्चों, बैठो बैठो बैठो. Sit down, please. Students, can you hear me? Hello, मेरी आवाज आ रही है आपको? Hello, hello. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है तो हाथ खड़े करो अगर मेरी आवाज आ रही है तो. Okay. Okay. हाँ जी, सिक्स डी स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? अगर सुन पा रहे हो तो हाथ खड़ा कर दो. सिक्स डी, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो हैंड रेज कर दो. सिक्स डी. मैम, ए सेक्शन में आपकी आवाज हो रही है? आवाज भी नहीं आ रही है. जो बोल भी रहे तो आवाज आ नहीं रही है. नहीं, बाकी भी जो बोल रहे हैं हमें नहीं सुन रहे. वो तो बोल रहे हैं पर हमें आवाज किसी की भी नहीं आ रही. हाँ, किसी की भी नहीं आ रही ना. वो कह रही तो वो हिल. हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज. लेकिन एफ में ना है दिक्कत. एफ हो गया. म्यूट. हाँ जी बच्चों, सिक्स डी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हाथ खड़ा करेंगे. जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है हाथ खड़ा कर दो. चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके नाउ. चलिए जी, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम मॉडमास की असाइनमेंट कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था. अब 12 तक भी अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो. टिल क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट मॉड्यूल में या सेकंड मॉड्यूल में किसी की कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे. मैम, हाँ जी, बोलिए बोलिए. मैम, सेकंड मॉड्यूल में सिक्स्थ क्वेश्चन में मैम डाउट है. सेकंड मॉड्यूल सिक्स्थ क्वेश्चन. लो जी, सेकंड मॉड्यूल का सिक्स्थ क्वेश्चन है. फोर इंटू फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू 33 प्लस समथिंग प्लस 32. मैं इस इक्वेशन को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना चाहती हूँ. ठीक है जी. अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली डिफाइंड है, इसे सॉल्व कर लेते हैं. फाइव इंटू फोर, ट्वेंटी इंटू फाइव, 100. Yes. ठीक है जी. अब 33 प्लस 32, 65. अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 65 में ऐड कर दूं तो आंसर 100 बन जाए. 35. तो बस यही था क्वेश्चन बेटा. ठीक है जी. Yes. चलिए, और कोई प्रॉब्लम टिल क्वेश्चन नंबर 12? हाँ जी, 6D से कुछ बोल रहे हो? दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई. माइक ऑन करके बोलो. मैम, मॉड्यूल 1 सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल का बेटा? मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 का सेकंड क्वेश्चन.
मैम सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, ओके, ये मेरे ख्याल कल भी किया था हमने। लो जी, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड क्वेश्चन। 100 माइनस 10 ऑफ 70 प्लस 400 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इंटू 60। सबसे पहले अगर हम बॉड मास की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ का मतलब 10 ऑफ 70, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सो 700 हो गया। यस फिर डिवीजन करनी है, 400 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बेटा, 100। फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180। हंड्रेड ठीक है जी, 800 में से 700 माइनस कर दें तो 100 प्लस 100 माइनस 180, 200 माइनस 180, तो 20 आंसर आ गया बच्चे। इसमें बोलो कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं अभी नहीं। है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ जी? दोबारा बोलो, आवाज समझ नहीं है मुझे 6D से जो बच्चा बोल रहा है। मॉड्यूल 2 का 8th, यही बोल रहे हो? ठीक है जी, मॉड्यूल 2 क्वेश्चन नंबर 8, ये कल 2 बार सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। वैसे मॉड्यूल 2 क्वेश्चन नंबर 8, ए का मतलब माइनस, बी का मतलब डिवाइड, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब इनटू। 15B 3C 24A 12D 2। ए की जगह क्या डाल, बी की जगह क्या डालना है मुझे? डिवाइड। सी की जगह डालना है प्लस, ए को डालना है माइनस और डी को डालना है इनटू। अब बॉड मास के हिसाब से पहले होगी डिवीजन। 15 डिवाइड बाय 3 इज 5। फिर मल्टीप्लिकेशन, 24, 24 माइनस 24 0 प्लस 5, सो आंसर इज 5। ठीक और कुछ? चलिए जी, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, जी, बोलिए एक्सक्यूज बोलिए मैम, बोलिए। हाँ मैम, ये जो मैथ मैम मॉड्यूल 1 में मैच द फॉलोइंग है जी, मैम, इसमें एक तो मैम जैसे P-8 मैम, वो डैश का मीनिंग नेगेटिव नहीं बेटा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि P जो है वो 8 है, ये नहीं भी, ये दिस इज हाइफन, हाइफन की तरह इसको ट्रीट करो, माइनस नहीं। मैम। और फर्स्ट में मैम मैम ये जो 6 है मैम, वो तो एक्स्ट्रा है। ये जो 6 है, ये हमने बात की थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर पड़ा है और ब्रैकेट और इसके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं डाला गया, तो उसका मतलब क्या बताया था बच्चों? मैम मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 2, मल्टीप्लाई इट विद 6, तो योर आंसर इज 12, इस अंदर वाली ब्रैकेट का आंसर 12। ठीक है जी, चलिए। मॉड्यूल 2 12th क्वेश्चन। मॉड्यूल टू क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 12, टू प्लस मीन्स डिविजन, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स माइनस, एंड डिविजन मीन्स। डिवीजन लो जी, डिविजन की जगह डिवीजन माइनस को की माइनस। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहा गया जहां जहां डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई समझो, जहां माइनस है उसको प्लस समझो, जहां मल्टीप्लाई है उसको माइनस समझो। ठीक है जी, अब इसको, दिस इज 36 माइनस 4, 38 माइनस 4, 34।
हाँ जी, 6F जिसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई बेटा। यस चलिए जी, अब हम चलिए, चलते अब हम हैं चलते हैं नंबर नंबर 13 पर। 13 पर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा पी का मतलब है प्लस। अब ध्यान से करते जाना, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्यू का मतलब है इनटू, आर का मतलब डिवीजन, एस का मतलब माइनस, एंड इक्वल टू का मतलब ग्रेटर। ये एक नई चीज आई है, लेट अस सी क्या मतलब है इसका। अब हमें बोला गया अगर ये मतलब है तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है मेरे पास 4P8R2S1Q6 = 1। अब जिसका जो मतलब है वो डालते जाते हैं, देखते जाएंगे पी की जगह क्या डालना है मुझे। पी की जगह प्लस, ठीक है जी। आर को क्या डालना है, डिवाइड। एस को करना है माइनस, क्यू को करना है इनटू, और एक बात जो नई यहां पर आई दैट इज इक्वल टू का मतलब ये साइन किसका होता है बच्चों, ग्रेटर देन। मतलब अब मैं क्या करूं, मैं इस पूरी साइड को सॉल्व करूं और मुझे देखना है क्या यहां से जो आंसर मिला वो 1 से ग्रेटर है। अगर है तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर मुझे बीसीडी पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले डिवीजन हुई तो यहां से आया 4 + 4 - 6, 8 - 6, 2 मिल गया मुझे। इस पूरे को सॉल्व करके मिला 2। क्या 2 1 से बड़ा है, इज टू ग्रेटर देन 1। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गई। दोबारा देख लो क्या किया हमने, मुझे ये स्टेटमेंट, ये एक एक्सप्रेशन दिया था और इसमें मुझे बोल दिया गया कि जहां पर पी है उसको प्लस कर दो, क्यू को इंटू कर दो, आर को डिवाइड कर दो, एस को माइनस कर दो और इक्वल को ग्रेटर बना दो। जब मैंने ये ऑपरेटर्स लगाए और सिंप्लीफिकेशन करी, 8 पहले डिवीजन होएगी, 8/2 = 4, यहाँ पे सबमिशन, ये मल्टीप्लिकेशन 6, 4 + 4 = 8 - 6 = 2, 2 > 1 है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकता है। एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमने पी क्यू आर एस की जो वैल्यूज दे रखी थी वो डाल दी हैं, इक्वल टू को ग्रेटर कर दिया है, बॉड मास लगा के सिंप्लीफाई किया है और आंसर निकाल दिया है। एक्सक्यूज बोलो बेटा। मी मैम, जो आपने ग्रेटर देन लगाया मैम, मुझे वो वाला नहीं समझ आया। देखो मुझे क्वेश्चन में ही दिया था बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया था, जैसे पी की जगह क्या बोला गया, प्लस डालो, आर की जगह डिवाइड डालो, ऐसे ही इक्वल टू की जगह क्या लिखने को कहा मुझे, ग्रेटर। तो जहां इक्वल लिखा था उसको मैंने क्या बना दिया, ग्रेटर। बस इतना ही काम किया है मैंने। अब मेरे को देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये करेक्ट है या नहीं। मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू बन रही है। ट्रू बनने का मतलब क्या था, जब मैं सारे को सिंप्लीफाई करूं तो जो मेरा आंसर आए क्या वो 1 से बड़ा हुआ कि नहीं। 1 से बड़ा हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, नहीं होता तो फॉल्स हो जाती। ओके ठीक ओके मैम, थैंक है जी। अब यू। जरा ओके बच्चे, अब जरा 14th ट्राई करें सारे फटाफट से। सेम डिट्टो लाइंस पे क्वेश्चन है, ऑप्शन से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14th क्वेश्चन में सी प्लस को डिनोट कर रहा है, डी डिनोट्स इनटू, ई डिनोट्स डिवाइड,
एफ डिनोट्स माइनस, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। ए ऑप्शन है 13F4D, 2C6F3। मैम आंसर फ्रॉम 6 थी बी ऑप्शन। ऑप्शन इज करेक्ट, यस देख लेते हैं। एफ को डाल देना है माइनस, डी को डालना है इनटू, सी को डालना है प्लस, एफ को डालना है माइनस। सबसे पहले होती है मल्टीप्लिकेशन, फिर 6 माइनस 3 13 माइनस 8 5, 5 प्लस 6 माइनस 3 5 प्लस 6 11, -3 8 आंसर बन रहा है, लेकिन मुझे क्या दिया है 4/3, मतलब गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मैंने ए को सिंप्लीफाई किया था, ये सही आंसर नहीं दे रहा है। अब हम बी पर चलते हैं। बी में ठीक आ रहा है, लो जी देख लेते हैं एक बार। 23C16E4F2D9। मैम 6 3D डन, मैम 14 का मैम बी पार्ट आंसर आ रहा है मैम। बिल्कुल जी, बी आ रहा है, सबका आ गया 14 का बी, तो मैं ना करूं सबका आ गया। जिसका नहीं आया वो बताओ, 14 का आंसर बी, किस किस का नहीं आया हाथ खड़ा कर दो। चलो एक बार मैं कर रही हूं, देखते जाना। सी को डाला है प्लस, ई को डालना है डिवाइड, एफ को डालना है माइनस और डी को डालना है इनटू। सबसे पहले होती है डिवीजन, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इंटू 2 18। 23 प्लस 4 इज 27 माइनस 18 9, और ये किसकी इक्वल दिया था, 9 की इक्वल ही दिया था। इसका मतलब बी कैसी ऑप्शन हो गई। अभी समझ में आ गया सभी को। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझेंगे पहले फिर करेंगे। ये सबका हो गया है तो बता दो मुझे, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आया हो अभी भी। नहीं आया है तो आ जाओ माइक के पास, सेक्शन में से। चलो फिर हम लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात क्या रहा है। गिवन द इंटरचेंज, साइंस को इंटरचेंज, प्लस को इंटू, हाँ जी 6F से कुछ एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा। मॉड्यूल 2 का मैम 14 क्वेश्चन है अभी जो कर रहे थे क्या दिक्कत है पहले ये बता बेटा मुझे, बताओ। दिक्कत क्या है वो बता। हमारा आंसर गलत आया है। आंसर गलत आ रहा है, लो जी जरा दोबारा शुरू करना पड़ेगा। सी को क्या लिखना था बेटा, प्लस प्लस ई को क्या करना था, डिवाइड डिवाइड, एफ को क्या करना था माइनस और डी को क्या करना था। चलिए मल्टीप्लाई। जी सबसे पहले क्या करना होता बेटा मुझे, डिवाइड डिवाइड, 16 को 4 से डिवाइड करिए बेटा क्या आएगा, मल्टीप्लाई लेट हिम डू, डिवाइड 16 बाय 4, व्हाट विल बी द आंसर बेटा, फोर। फिर मल्टीप्लाई करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा। अब माइनस और प्लस, पहले प्लस करना है, 23 प्लस 4 27 27 में से 18 माइनस करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, 9, और यही दे रखा था बेटा बी ऑप्शन में, दिस इज इक्वल टू 9। क्लियर चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आपको दो इंटरचेंज, इंटरचेंज की बात हमने कल की क्लास में भी की थी। इंटरचेंज का मतलब जहां पर प्लस है उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई और जहां पर 1 लिखा है उसको क्या कर दो, 3। जहां 1 है उसको 3 कर दो, जहां 3 है उसको
वन कर दो जहां प्लस है उसको, इंटू कर दो जहां इंटू है उसको प्लस कर दो। लो जी थोड़ा देखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। मैं ये साइन डाल रही हूँ इसका मतलब इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, लाइक वाइज तीन की जगह एक और एक की जगह तीन। पहली ऑप्शन 31। हाँ मैम जी बोलो। सिक्स्थ ए पार्ट कौन सा ए पार्ट बेटा? ए पार्ट इज द आंसर। यस चलो चेक कर लेते हैं है कि नहीं। पहले ध्यान से समझना, थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। मुझे क्या कहा गया, जहां पर तीन है उसकी जगह क्या लिखना है? एक। जहां पर एक है उसको क्या लिखना है? थ्री जहां पर प्लस है उसको क्या करना है? तीन मल्टीप्लाई को करना है एक। चार एक के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उसको चार ही रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव करेंगे नहीं। इनटू को क्या करना है? तीन को एक और एक को तीन। अब पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी कि एडिशन होगी? करो जरा 14 को 13 से मल्टीप्लाई। 52 52। 52 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके 52 आएगा, चार से नहीं करना। ओके 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 182, 182 में 13 ऐड करना है। कितना बना? 195। लेकिन यहाँ क्या आंसर दिया है? 1085। तो ये सही होगा क्या? दोबारा समझते हैं। पहले हमने क्या किया, मुझे कहा गया जहां पर भी तीन लिखा है उसको एक बना दो, जहां एक लिखा है उसको तीन बना दो, प्लस को मल्टीप्लाई बना दो। ये तीन आ गया था तो एक कर दिया, चार के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो ऐसे ही रख दिया। मल्टीप्लाई को प्लस कर दो, तीन को एक, एक को तीन। अब पहले होनी है मल्टीप्लिकेशन। जब 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बना 182। 182 में 13 ऐड किया तो 195 बन रहा है, जबकि मुझे दे रखा 1085। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये ठीक तो नहीं हुआ बेटो बच्चों। मैम आंसर फ्रॉम 6th E B पार्ट बी पार्ट इज करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं बी को। बी में मुझे कहा गया 31 + 34 * 31 इज इक्वल टू 195। अब देखते हैं जरा, तीन को करना था एक, एक को करना था तीन, प्लस को करना था इंटू तीन को एक। ये पुराने वाला ही आ गया जो पीछे आया था ए में, 13 13 और आंसर हमारा 195 आया था। इसका मतलब ये हो गई मेरी करेक्ट स्टेटमेंट। इज इट ओके? चलिए जी, तो बॉट मास हमारा हो गया फिनिश। नेक्स्ट चीज जो हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ एक्सक्यूज जी बोलो बेटा। मैम, जो 15th क्वेश्चन है मैम, उसका ए पार्ट है मैम, जो उसका आंसर आ रहा है 1085 मैम, वो वन चेंज भी हो सकता है? नहीं बेटा, सिर्फ आपको जो 1 और 3 जो आपके एक्सप्रेशन के हैं वहीं पर चेंज करना है, सर में नहीं चेंज करना है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी मेथड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितनी मर्जी बड़ी क्लास में चलते जाओ यूनिटरी मेथड का काम पढ़ना ही पढ़ना, और तुम अप्लाई भी करते हो। अभी तक जो क्लासेस में पढ़ के आए हो 5th तक आपने बहुत बार इसको अप्लाई भी किया है। यूनिटरी का मतलब होता है वन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर ही रहे हो, हम उससे शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हम ये कहें कि आप मार्केट में गए, आपको एक पेन खरीदना था, ठीक है जी, और आपने जाकर के शॉपकीपर से पूछा कि एक ये जो पेन है इसकी कॉस्ट क्या है, और शॉपकीपर ने कह दिया कि एक पेन 15 रुपए का आता है, ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट पेन डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के हैं, जो पेन आपने सेलेक्ट किया उसका कॉस्ट कितना था?
15 रुपीज। अब आपको 5 पेन चाहिए, आप ये सोच रहे हो कि पूरी क्लास ही मेरी उसमें निकल जाए या कम से कम 6 महीने मेरे निकल जाएं। तो आप जब जा रहे हो एक बार मार्केट में, तो आप सोचते हो कि मैं 5 पेन एक साथ ही ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, जैसे ही पहला खत्म होगा तो दूसरा यूज कर लूंगी और दसन में चलती रहूं। ठीक है जी। अब आपको शॉपकीपर ने कहा एक पेन का कॉस्ट 15 रुपए है और आपने कहा मुझे 5 पेन दे दो, राइट? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, तो कितने? 75 75। कैसे निकाला आपने? एक पेन लेते तो 15 रुपए लेने थे, 5 लेने हैं तो 5 × 15 कर दिया। बस यही है यूनिटरी मेथड, और तो कुछ है ही नहीं यूनिटरी मेथड। जब हम यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले हम 1 यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का कॉस्ट या 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर जितने यूनिट के लिए मुझसे पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक तो सबको समझ में आता है? अब हम थोड़ा थोड़ा उल्टा चलते हैं। मान लो आपने शॉपकीपर, आप गए शॉपकीपर के पास और आपने कहा कि मुझे 5 पेन दे दो। ठीक है जी। आपने पहले कॉस्ट नहीं पूछी, आपने कहा मुझे 5 पेन चाहिए, ये वाले पेन 5 मुझे दे दो। और दुकानदार ने आपको कहा कि आप मुझे 75 रुपीज दे दो। ठीक है जी। दोबारा सुनते हैं, आप गए दुकानदार के पास, आपने उसको कहा कि मुझे ये वाले 5 पेन दे दो, तो उसने कहा कि आप मुझे 75 रुपीज दे दो, मैं आपको पेन दे दूंगा। अब अगर आपको ये सोचना हो कि एक पेन कितने का है, तो क्या कैसे निकाला, कैसे निकाला? आपने 5 को डिवाइड करना सेवेंटी फाइव को, जो कि 5 पेंस की कॉस्ट थी, एक की निकालने के लिए आपने 5 से कर दिया डिवाइड। है। जब एक यूनिट का कॉस्ट मालूम था, 5 का निकालना था तो किया था, और 5 का मालूम था, 1 का निकालना था तो किया। तो इससे अब मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू मालूम हो, ज्यादा की निकालनी तो मल्टीप्लाई करो, ज्यादा की मालूम है, 1 की निकालनी है तो क्या करोगे? ठीक है जी, बात समझ में आती है मेरी? चलिए जी। तो अब सबसे पहले हम असर्शन रीजन से शुरू करते हैं। असर्शन रीजन किए हैं आप लोगों ने पहले? क्या होता है असर्शन रीजन, ये कुछ पता है इसके बारे में? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता, पहले हम समझते हैं कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। पहले ये बात समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखो जी, असर्शन रीजन में अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, पहले ध्यान से मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। इंस्ट्रक्शंस में मेरे को क्या दे रखा है? इंस्ट्रक्शन में मुझे पता दिख रहा है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन मुझे दिया है, ऐसे चल रहा है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, देन योर आंसर हैज टू बी ए। सबसे पहले हम तरीका समझते हैं असर्शन रीजन को करने का, तरीका क्या होता है। असर्शन में जो लिखा है पहले उसको रीड करो। लो जी, पहला असर्शन पढ़ो जरा, क्या दिया है? इफ कॉस्ट 2 पेंस इज ₹20, देन कॉस्ट ऑफ 5 इज 50। क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं, 2 पेन की कॉस्ट कितनी है? 20।
ऐसा है तो 5 पेन की कॉस्ट 50 होगी, ये स्टेटमेंट मुझे दी गई है। मुझे सबसे पहले चेक करना होता है क्या ये सही है या नहीं है। समझ में आ गया करना क्या है, क्या कैसे करना है, उस पे आते हैं। करना क्या है पहले ये बात समझ में आई है? चलो जी फिर अब हम इसको करके देखते हैं कि ये जो बात कही जा रही है ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। मेरे को 2 पेन की कॉस्ट 20 रुपए दी है, 5 पेन की कॉस्ट बतानी है। तो फिर से वही बात, अगर मुझे 1 पेन की कॉस्ट पता चल जाए तो 5 की निकाल सकती हूँ। अब मुझे पता है 2 की, निकालनी है 1 की, तो मल्टीप्लाई की डिवाइड। डिवाइड जब ज्यादा की वैल्यू दे रखी हो, 1 की निकालनी हो, तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई? तो अब बताओ क्या 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपए होगी? दोबारा देखो, मुझे क्या दिया था कि 2 पेन की कॉस्ट 20 रुपए, तो 5 की 50 रुपए। मैंने बताना था ये ठीक कह रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कह रहा। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 1 पेन की कॉस्ट निकाल दी। जब 2 की पता हो, 1 की निकालनी हो, तो करना होता है डिविजन। डिवाइड 1 पेन की कॉस्ट आई 10 रुपए, 1 की 10 है तो 5 की 50। इसका मतलब जो मेरा असर्शन है वो कैसा हो गया? करेक्ट हो गया, या इन अदर वर्ड्स हम बोलें कि वो ट्रू हो गया। ये बात समझ में आई है सभी को? जिसको नहीं समझ में आई, आ जाओ आगे माइक के पास और पूछ लो। मुझे 2 पेन की कॉस्ट दे रखी थी, 5 की पूछी थी, तो मैं सीधे सीधे 5 पे नहीं जा सकती, मुझे पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। 2 की मालूम हो, 1 की निकालनी हो, तो डिवाइड करते हैं। तो 20 को 2 से डिवाइड किया, 1 का कॉस्ट 10 रुपए आ गया, तो 5 का 50 आ गया। मतलब जो कुछ मुझे सेशन में कहा गया वो सही कहा जा रहा है। सही है तो मैंने उसको कह दिया क्या? ट्रू। डिवाइड अब रीजन पढ़ लो। रीजन क्या कह रहा है? द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। क्या कहना चाह रहा है ये? ये कहना चाह रहा है जैसे हम इस क्वेश्चन से इसको रिलेट करें, तो मुझे 5 पेन की कॉस्ट निकालनी थी, ये निकालने के लिए मैंने पहले 1 पेन की कॉस्ट निकाली और फिर 5 की निकाली। ये जो मेथड हम लगा रहे हैं इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। डिवाइड तो ये बात भी ठीक है, यही होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है जी। और इसी चीज को यूज करके मैंने असर्शन को ट्रू बताया था। मेरा असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन में जो कहा गया उसी के बेस पर मैंने असर्शन को ट्रू बोला, ठीक है जी। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। ए को दोबारा रीड करो। ए इंस्ट्रक्शन में देखो, ए क्या बोला गया था? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो कुछ रीजन में बोला गया उसी से एक्सप्लेन हो रहा है असर्शन। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए
नई चीज है आप लोगों के लिए, एक बार दोबारा समझते हैं, कुछ नहीं है असर्शन रीजन, देख के हमने घबराना नहीं है, सिर्फ समझना है। असर्शन रीजन का मतलब एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली गई हैं, बस इतनी बात समझ लो। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें पूछ ली गई, जैसे यहां पर पहले कहा गया दो पेन की कॉस्ट 20 है तो 5 की 50, मेरे को ये पता करना था कि ये ठीक बात है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, दो पेन की कॉस्ट में से एक की निकाल दी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 की कॉस्ट निकाल दी। और ये जो मैंने मेथड लगाया कि पहले मैं एक का निकालूं फिर 5 का निकालूं, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट्री मेथड। इसका मतलब जो रीजन में कहा गया उसको यूज करके मैंने अपने असर्शन को क्या बताया कि वो ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ी बहुत कुछ बात समझ में आई है, सारी समझ में आई हो ये नहीं मैं कहती, पर कुछ बात समझ में आई। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी और बात समझ में आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है बच्चों जो थोड़ी सी नई आपके लिए प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ऑप्शन समझ में आता जाएगा कैसे मैंने आंसर्स निकालने हैं। चलिए जी, नेहा अर्न्स ₹136 इन 4 days, देन हर अर्निंग इन 30 days विल बी 1020। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला था, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं वापस। देखो जरा ध्यान से मुझे क्या कहा गया, नेहा अर्न्स ₹136 इन 4 days, ₹136 4 दिन में वो अर्न कर रही है, तो मुझे बताना है कि वो 30 days में क्या 1020 रुपीज अर्न करेगी। क्या ये बात सही है या गलत है ये बतानी। पहले क्वेश्चन बताओ समझ में आ गया? अब अगर मुझे यहां पर यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिटरी का मतलब क्या है, मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, मुझे एक दिन में बताना पड़ेगा कि वो कितने पैसे अर्न करती है। लो जी बताओ कैसे बताओगे, 4 दिन में कितने कर रही थी? ₹136। एक दिन के लिए निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे, निकाल दो फिर एक दिन में कितना अर्न हो रहा है? 136 को 4 से डिवाइड, 4 3 12, 4 4 16, तो कितने रुपए अर्न हुए एक दिन में? यहां तक जिसको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से माइक के पास आ जाए और मेरे से पूछ ले। ये पूरे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब में एक ही काम करते जाएंगे हम, बार बार नया कुछ नहीं करने वाले हम। जो कुछ दिया है उससे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे और फिर जितने की पूछी गई है उतने की निकाल देंगे, हमारा काम खत्म। 4 दिन काम करने पर ₹136 मिल रहे थे, एक दिन काम करने पे क्या मिलेगा हमें मालूम है, जब ज्यादा की वैल्यू पता हो कम की निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं, मतलब एक दिन काम करने से मिले ₹34। अब मेरे को कितने का चेक करना है, 30 days का? कैसे निकालूं? कर दो जरा फिर और देखो जरा आंसर क्या बना रहे हो। ₹1020। तो जो मुझे असर्शन में दिया गया क्या वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है बच्चों, जो सिर्फ असर्शन, नीचे नहीं पढ़ना, अभी रीजन नहीं पढ़ना है, सिर्फ असर्शन पढ़ना है। असर्शन में मुझे कहा गया था 4 दिन काम करके ₹136 मिल रहे हैं, तो अगर वो 30 दिन काम करे तो 1020 रुपीज मिलेंगे।
हमने क्या किया, 4 दिन से 1 दिन का निकाल दिया डिवाइड करके, 1 दिन के लिए 34 रुपीज मिले, 30 दिन काम करे तो 1020 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, ट्रू हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes. अब रीजन पढ़ लो जरा। रीजन कहा जा रहा है, नेहाज अर्निंग्स पर डे इज रुपीज 32। फॉल्स। हमने अभी अभी निकाला कि 1 दिन में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, और ये कह रहा है 32, मतलब ये तो गलत कह रहा है। इसका मतलब मेरा रीजन क्या हो गया, तक बताओ, समझ में आया सभी को? आप जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, सी इंस्ट्रक्शन पढ़ना, सी। पीछे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उसमें सी पढ़ो। सी में क्या कह रहा है वो, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? दोबारा देखो, मुझे कहा गया 4 दिन में 136 रुपीज अर्न कर रहा है, तो बताओ 30 दिन में क्या 1020 अर्न करेगा? मुझे मालूम है कि जब तक मैं 1 दिन का अर्निंग नहीं निकालूंगी, मैं 30 की नहीं निकाल सकती। 4 की दी है, 1 की निकालनी है तो डिवाइड करना होता है, ज्यादा की दी हो कम की निकालनी है तो हमेशा डिविजन पे जाना है। डिवाइड करके मैंने देखा कि 1 दिन में शी इज अर्निंग 34 रुपीज। अब 1 दिन में अगर 34 है और 30 डेज का निकालना है, ज्यादा का निकालना है, तो करना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे मुझे पता चल गया कि ये सही बात बोल रहा है, सही बोल रहा है तो असर्शन ट्रू हो गया। रीजन में मुझे कह रहा था 1 दिन में 32 रुपए, लेकिन मैंने कैलकुलेट किए हैं 34, इसका मतलब रीजन हो गया फॉल्स। असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो मैं अपना आंसर लिखूंगी। अब एक बार 2 मिनट दे रही हूं, दोनों असर्शन रीजन जो हमने किए हैं इसको देखो, समझो, और दिक्कत है तो पूछो जल्दी से, फटाफट, क्विकली, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। शाबाश। दो बातें समझनी है, एक यूनिटरी मेथड क्या है और दूसरा असर्शन रीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब हमेशा पहले एक यूनिट की वैल्यू बताएंगे, फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। ज्यादा की वैल्यू दी है, कम की निकालनी है तो डिवाइड, कम की दी है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ कम का मतलब एक, यूनिटरी का मतलब हमेशा एक की वैल्यू पहले चाहिए। एक की मिल गई तो ही हम आगे चलेंगे। एक की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा की दे रखी है, एक की निकालनी है, क्या करोगे? चलो, अब मैं 1 मिनट के लिए चुप रहती हूँ, मैं बोल देती हूँ तो तुम पढ़ नहीं पाते हो अपना। मैं 1 मिनट बिल्कुल चुप रहूंगी, आप देख लो दोनों क्वेश्चन ध्यान से। मेथड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शाबाश, जल्दी जल्दी देखो। हाँ जी बच्चों, देख लिया? कोई तकलीफ, कोई बात नहीं समझ आई हो किसी को? मैं मॉड्यूल 3 का जो असेशन नंबर
लो जी, क्या बात समझ नहीं आया पहले ये बताओगे मुझे। हमें बेटा इसमें कहा गया था कि नेहा अर्न्स ₹136 इन 4 days, देन हर अर्निंग इन 30 days विल बी 1020। अब 4 दिन की अर्निंग ₹136 दे रखी है और 30 की पूछी जा रही है, तो सीधे सीधे तो मैं चल नहीं सकती, पहले मुझे 1 दिन की अर्निंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, 1 दिन की अर्निंग निकालने के लिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप बाजार में गए, आपने कहा 5 पेन दे दो और आपको दुकानदार ने कहा ₹75 दे दो, तो एक का कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या किया था, 75 को 5 से डिवाइड, तो आपको एक पेन का कॉस्ट पता चल गया था ₹15। यहां पर भी वही बात है, 4 दिन काम करके ₹136 मिल रहे हैं, तो अगर वो एक ही दिन काम करती तो कितने पैसे मिलते, उसके लिए 136 को 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल गया कि 1 दिन काम करने पर ₹34 उसको मिल जाते हैं। यहां तक समझ में आया, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया या यहां ही तक तकलीफ है? बोलो जी, किसने पूछा था क्वेश्चन पहले ये बताओ, कौन सी क्लास से पूछा था क्वेश्चन? 6B में से, ई में से। हाँ जी बेटा, समझ में आया ये? ठीक है जी, अब 1 दिन का पता चल गया कि ₹34 मिल रहे हैं, तो 30 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, 34 को 30 से मल्टीप्लाई, तो कितने मिले, 1020। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि उसको ₹1020 मिलेंगे, इसका मतलब जो मेरा असर्शन वाला पार्ट था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन रीजन में क्या कह दिया उसने कि नेहा की पर डे अर्निंग, 1 दिन की अर्निंग ₹32 है, जो कि गलत हो गया। मैंने कितनी निकाली है 1 दिन की अर्निंग, ₹34। अब असर्शन आपका ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा आंसर क्या बनता है, सी बनता है। यस ठीक है जी, चले आगे। चलो यस एमसीक्यू पहले आसान वाले करते हैं, जल्दी 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 से आंसर देते जाना, सेकंड एमसीक्यू पढ़ो। सेकंड एमसीक्यू, अ शर्ट कैन बी स्टिच्ड यूजिंग 5 मीटर क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 9 शर्ट्स? 45 ये तो बिल्कुल आसान काम कर दिया। क्यों आसान कर दिया, क्योंकि 1 यूनिट पहले ही दे ही दिया, मुझे 1 कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, उतना काम मेरा आसान कर दिया उन्होंने, एक ही यूनिट की बात कर दी। एक शर्ट बनाने के लिए कितने लग रहे हैं, 5 मीटर। 9 बनाना है, एक का मालूम है, 9 का निकालना है, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कितने लग जाएंगे, 45 मीटर्स। 5 मीटर। अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने सेकंड या पहला सेशन रीजन दोनों में जो काम किया, वही क्वेश्चन में तीसरे में करना पड़ेगा। तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या कहा, 12 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट 156, व्हाट डू 28 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट? अब यहां पे तुम्हारा काम बढ़ा दिया, अब एक फ्लावर पॉट बी पार्ट नहीं दिया है, बी पार्ट, यस बाकी को करने करने दो, करने दो पहले बाकियों को भी, लेट अदर्स ऑल्सो। आंसर फ्रॉम 6D बी पार्ट ₹364। 364। हाँ जी, जिस जिसका आंसर 364 आ रहा है जरा हाथ खड़ा करेंगे। आ रहे हैं आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहा है, मैं अभी दे रही हूँ, 2 मिनट और दे रही हूँ। बी से बहुत हाथ खड़े हो गए हैं, जी से भी हो गए हैं, ई से भी हो गए हैं,
टी से हो रहे हैं लेकिन थोड़े से कम हो रहे हैं, सी से कोई हाथ नजर नहीं आया मुझे अभी तक, बाकी सब में से नजर आए, सी में से धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, हाँ अब हो गए, अब हो गए बहुत सारे। चलो बढ़िया जी बढ़िया, सब क्या कहते हैं आंसर 364 है, एक बार जरा चेक कर लें। चलो जी, अब मुझे दिया था 12 फ्लावर पॉट्स का कॉस्ट है 156, एक का निकालने के लिए क्या करूं? डिवाइड। लो जी कर देते हैं 12 से डिवाइड, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, मतलब एक का कॉस्ट थर्टी मुझे कितने का निकालना है? ट्वेंटी तो क्या करूं, मल्टीप्लाई की डिवाइड? 28 मल्टीप्लाइड बाय 13, थ्री सिक्सटी फोर, बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया भाई सबने, इंटेलिजेंट बच्चे होते जा रहे हैं, तो बहुत ही गुड, वेरी गुड। 12 फ्लावर पॉट्स का कॉस्ट 156 दे फोर्थ का रखा, ए पार्ट। फोर्थ का, अच्छा आगे भी जल्दी है, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। अगर मैंने पहला करवाना हो पहले फिर चलो फोर्थ की बात करते हैं, चलिए शाबाश फोर्थ पे चलते हैं, मैम फोर्थ का ए। फोर्थ का ए आ रहा है। चलो पहले बाकियों को कर लेने देते हैं, 2 मिनट सबको देने चाहिए ना, ऐसे नहीं कि हम ही आगे आगे चलते जाएंगे तो बाकियों ने जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया वो बेचारे वो भी तो बैठे हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन अ मैप 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 66 किलोमीटर, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द मैप इज 80 सेंटीमीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। अब आपको मालूम है जैसे आपने मैप देखे होंगे, अब इंडिया का मैप अगर हम बनाएं हम तो एक पेज पे ही पूरा मैप बना देते हैं, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस ही इतने किलोमीटर है, तो हम पूरा पूरा डिस्टेंस तो पेपर पर नहीं बता सकते। तो अब मुझे यहाँ क्या कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर अगर मैंने लिया इसका मतलब कितने किलोमीटर? 66। तो अगर 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वो एक्चुअली कितना होगा ये मैंने बताना है, तो मुझे आंसर दिया जा रहा है 880 किलोमीटर, ए आंसर। किस किस का आंसर ए है, हाथ खड़ा कर दो जरा। काफियों का आ गया है लेकिन काफियों का नहीं भी आया है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फिर से वही बात, एक का निकालना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर 66 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर कैसे निकालूंगी, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके? 66 को 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, 11। अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वो एक्चुअली 11 सेंटीमीटर है, मेरे पास 80 सेंटीमीटर है, तो अब क्या करूं, मल्टीप्लाई के डिवाइड? एट 80 किलोमीटर्स। अब दूसरे तीसरे और चौथे क्वेश्चन में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से माइक के पास आ जाओ, फटाफट फटाफट, देर नहीं लगानी है। दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन, किसी भी सेक्शन में से किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है कम नियर द माइक एंड आस्क, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। मैम हाँ बोलो क्वेश्चन बेटा, नंबर, मैम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम क्या है पहले मुझे ये बताएगा बेटा तू। मैम आंसर आ रहा है मैम रॉन्ग। अच्छा करा क्या है ये बता फिर बेटा मुझे, मुझे 12 फ्लावर पॉट्स का कॉस्ट 156 दिया था, 1 का निकालने के लिए क्या किया बच्चे? मैम डिवाइड डिवाइड, 156 को 12 से डिवाइड करूं तो कैसे ठीक रहेगा, 12 वन जा 12, 3 रिमाइंडर 6 ऊपर से 12, 3 जा 36, तो क्या एक का कॉस्ट 13 रुपए आ गया, ट्वेंटी निकालना कितने का है बेटा? एट तो फिर क्या करना पड़ेगा, 13 से 28 को मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लस लो जी 28 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 8 जा
24, टू कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, 8 1 8 और 2 1 2 आगे बेटा 364। मैम आंसर फ्रॉम 6th D 5th क्वेश्चन बी पार्ट। मैम बी पार्ट चलो, मैं तो अभी पहले 2 3 4 की प्रॉब्लम ही पूछ रही थी, आप आगे चल पड़े हो, बहुत अच्छी बात है। 2 3 4 में किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं 5वें का आंसर देखूं करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 3 4 में से किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम 5th का 10 आवर्स। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा बोलो। मैम 5th? ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं, मैडम को पीछे छोड़ दिया, आप आगे चल दिए हैं, ये तो गलत बात है भाई। देख लेते हैं, अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है। हाय रब्बा, 2 में तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। यहाँ क्या दिया था बेटा, एक शर्ट की कॉस्ट, एक शर्ट बनाने में कितने मीटर कपड़ा लग रहा है? बोल बेटा, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा लग रहा है? 5 मीटर। और 9 शर्ट्स के लिए पूछा गया है, यस तो सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मैम, यस 9 into 5 45, 45। तो बस 45 मीटर आंसर हो गया। सेकंड का आंसर ए है, थर्ड का आंसर बी है, और फोर्थ का आंसर ए है। ओके मैम, अब ठीक हम 5th पे चल रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। 228 किलोमीटर चल रहा, डी। देख लेते हैं, 3 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर? लो जी, 228 किलोमीटर चलने में 3 घंटे, तो हम क्या निकाल दें कि 1 घंटे में कितना चला? बोलो जी, 1 घंटे में कितना चलेगा, कैसे निकालूं? डिवाइड लो जी, डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 3 6 76 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा लगता है, तो 912 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। कैसे निकालोगे? सिक्स डी आंसर। एक मिनट, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, 228 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लग रहे थे, तो हमने क्या निकाल दिया कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला? 1 घंटे में 76 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 912 किलोमीटर चलने के लिए 912 डिवाइड बाय 76। दोबारा देख लो, 76 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, 1 किलोमीटर निकालने के लिए मुझे पता है डिवीजन करनी होती है, और फिर कितना बताना है मुझे, 912, तो मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 912 को 76 से डिवाइड। सिक्स टू जा 12, 7 2 जा 14 एंड 15, तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। चलिए, अभी आपकी क्लास का टाइम हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 1 हम दोबारा अगली क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, परसों की क्लास, ठीक है जी? ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय बाय।